हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सिद्धार्थ मल्होत्रा जैकलिन फर्नांडिस स्टारर अ जेंटलमैन रिलीज हो चुकी है और पहले दिन फिल्म को 15% ओपनिंग मिली है। और ऐसे में ये मानकर चलिए कि फिल्म की शुरुआत बहुत ही बेकार हुई है। ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म को 7 करोड़ की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिल्म को पहले दिन मिले दर्शकों के लिहाज से देखा जाए तो लगता नहीं है कि फिल्म को इतनी ओपनिंग मिलेगी। खैर, अगर बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने 5 से 6 करोड़ के बीच में ओपनिंग की है। बहरहाल जेंटलमैन वैसे भी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई है। हालांकि फिल्म का बजट कम है, ऐसे में फिल्म एवरेज कमाई कर ले जाएगी। फिल्म की ओपनिंग उम्मीद जितनी नहीं है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले इसमें बेहतर काम किया है। हालांकि इसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता, तो वहीं जैकलिन को देखकर लगता है कि अभी भी उन्हें अपनी एक्टिंग पर काम करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, फिल्म में सुनील शेट्टी का काम भी ठीक ठाक है, जो और बेहतर हो सकता था। इसके अलावा दर्शन कुमार और हुसैन दलाल समेत बाकी कोस्टार्स का काम अच्छा है। खैर, वीकेंड पर देखना ये दिलचस्प होगा कि ये फिल्म उठती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।